So Swami, like I said, you know, people talk about rags to riches. Yeah. I think you're a classic example of rags to riches. So when you start off by telling us a little bit about your early childhood and what actually happened that brought you to Mumbai. Okay. Good morning. Guys, good morning. Give me some energy. Thank you. Okay. When I was 3 years, I lost my parents. After that, my uncle, we were in the custody of our uncle. So they took care of me and my brother. We were with them. And then in that small village, jahan pe first to fourth standard tak ka ek hi classroom tha, ek hi teacher tha, aur ek saath mein baith ke sab padhai hota tha ek saath mein. So aise school mein tha. And then वहाँ से फिर somehow I completed my 10th standard. I gave written my 10th exam. And from there, when I was writing my 10th exam, there was some I was not comfortable staying there. So I felt of running away from there. So do something. So किसी को बताया नहीं, वो छोड़ के गाँव से भाग के मुंबई आ गया. और जब आया मुंबई में एक ही ड्रेस में आया था. चप्पल भी नहीं था पैर में, पैसा भी नहीं था, ना लैंग्वेज आता था, ना इंग्लिश आता था, ना हिंदी आता था, कोई लैंग्वेज कुछ नहीं आता था. एंड ऑलमोस्ट फॉर 10 to 12 डेज इन मुंबई ऑल द होटल्स एंड ऑल रन बाय मोस्ट ऑफ द मैंगलोर कनाडियन, राइट? सो आई आई कुड गो, आई यूज टू गो एंड सिट आउटसाइड द होटल सो दैट एटलीस्ट उनको बात करता था, मुझे खाना दे दो, मैं काम करूंगा कुछ भी करके. सो 10-12 दिन तक मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, बट खाना तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता था. सो उसके बाद लकीली एक होटल में जो ओनर था उनका एक थॉमस को कैंटीन में एक कॉन्ट्रैक्ट था. सो वहाँ पर मुझे एक कोई लड़का छोड़ के चला गया था, तो रिप्लेसमेंट के लिए भेजे वहाँ पर. सो इनिशियली बर्तन धोने का सब काम था. आफ्टर दैट दे पुट मी इनटू चाय वाला जो सप्लाई करने के लिए. सो मैं भी चाय वाला बन गया. मुझे नहीं तब पता था अभी चाय वाला भी कुछ बन सकता है लाइफ में आगे जाके. अभी कुछ साल पहले पता चला कि चाय वाला भी कुछ बन सकता है. तो अच्छा हुआ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट, शायद मैं भी कुछ बन पाऊँ आगे जाके. सो लाइक दैट आई डिड दैट. एंड लाइक दैट सो आफ्टर कमिंग टू मुंबई व्हेन आई वाज कैंटीन में काम करता था, समबडी अगेन सजेस्टेड कि मतलब आई टोल्ड देम कि आई पास माई 10th एग्जाम एंड आई रैन अवे. सो दे सजेस्टेड यू आर अभी भी बहुत छोटे हो, सो व्हाई डोंट यू परस्यू योर फर्दर एजुकेशन अगर पास किया है तो. तो लाइक दैट आई जॉइंड वन कॉलेज इन फोर्ट एरिया, इवनिंग कॉलेज. फ्रॉम 6 to 9 वॉज द कॉलेज टाइमिंग. एंड लाइक दैट आई कंप्लीटेड लाइक दैट आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग 5 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock. आई यूज टू वर्क इन अ कैंटीन एंड देन आफ्टर आई यूज टू गो टू कॉलेज एंड देन कम बैक फॉर द इनिशियल 1 year. इवन दैट इन दैट कैंटीन देर वॉज अ नो प्लेस टू स्लीप, सो आई हैड टू स्लीप आउटसाइड द होटल ऑन फुटपाथ फॉर 1 year. My God. Okay, and night mein it used to police used to come and beat and then they check why you are sleeping here and all those things. Then I used to tell I am working here, so we are sleeping here. So because hotel mein to jagah nahi tha already, wahan pe pehle jo hotel ke log sote the. So like that life happened and that time it was always I had in my mind life mein kuch banna hai. Ek din kuch aisa banna hai ki police wala bhi mujhe salute karna chahiye. Wo ek maine thaan liya usi din se. And somewhere wo jo hai na jo wo chahat us samay mein jo aaya hai, तो वो हमेशा मुझे इंस्पायर करता है मुझे. एंड सो लाइक दैट आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन फॉर फ्यू मंथ्स आई वर्क इन ए ऑफिस फॉर एस ए प्यून. बट जब कैंटीन में काम कर रहा था, बाकी उसके 4 साल कैंटीन में था, वहां पे फूडिंग एंड बेडिंग लॉजिंग टेकन केयर. ओके. बट आफ्टर लीविंग फ्रॉम द कैंटीन व्हेन आई जॉइंड ऑफिस एज ए प्यून, देर वॉज नो प्लेस टू स्लीप अगेन. सो आई हैड टू पे फॉर द लाइक माई शेयरिंग और अकोमोडेशन एंड ऑल. सो दैट सैलरी वॉज नॉट इनफ. And I was the person always wanted to do something in life. I didn't want to live a normal, ordinary, mediocre life. So I wanted to do something always in life. Because ये क्यों करना था? क्योंकि गांव से भाग के आया था. ये जब भाग के आते हैं तो आपको हमेशा ये रहते हैं कि किसी को प्रूव करना है कि आप लाइफ में कुछ बनाए करके. तो ये प्रूव करना था, इसलिए कुछ करके फिर जाना है, कुछ करके फिर जाना है करके तो हमेशा था. तो एक दिन लकीली और फॉर्चुनेटली आई सॉ वन न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट विच वॉज मेंशन लाइक दिस, बिकम LIC एजेंट, be your own boss, write your own paycheck, you can buy your own dream car, you can go for a vacation. Kitne logon ko inspire nahi hoga ye dekha to? Hoga? Yeah? Yes. So I got inspired. This is what I wanted in my life. I want to do this. I didn't know about L of LIC. I didn't know I of insurance. I just went, I was doubting, ye sach mein koi scheme to scam to nahi hai na, isme kuch hoega na, jo likha hai hoega kya pakka?
तो बोला हाँ होएगा. तो जो डेवलपमेंट ऑफिसर है उसने बताया, उसके बाद आई ज्वाइन. सो इनिशियली फॉर वन ईयर देयर वाज नो कॉन्टैक्ट्स एंड नथिंग. सो इट वाज अ स्ट्रगल लाइक एवरीवन फेस. किसके पास जाओ, क्या पॉलिसी के बारे में बात करो, यू नो ऑलरेडी पॉलिसी है, मेरा सीए देखते हैं, मेरा रिलेटिव्स देखते हैं, मेरा भाई एजेंट है, ये सब सुनने को मिलते. कितने लोगों को आता है ऐसा सुनने को? आता है तो आज भी आता है. सो ये ऑब्जेक्शन आता था, बट समो आई वॉज ऑलवेज अ कीन लर्नर. सो ऑलवेज मैं लर्निंग के लिए जब बहुत इंपॉर्टेंस देता था. सो आई डिड सम ट्रेनिंग्स एंड इन दैट आई लर्न हाउ टू कन्विंस पीपल एंड दैट फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड वेंट ऑन टू फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स. मतलब कोई भी आजू बाजू में देखा किसी को भी पॉलिसी बेच सकता था, किसी को भी. टॉयलेट में भी नहीं छोड़ा लोगों से बात करने का, रेलवे स्टेशन में भी नहीं छोड़ा है, बाजू में बैठा है उससे भी मैं पॉलिसी की बात करता था. दिमाग में बस गया था कुछ करना. एंड देन यू नो उसके बाद LIC में जितने भी जो होता है योर शतकवीर, करोड़पति, एंड देन उसके बाद आपके क्लब मेंबर्स, MDRT, ऑल दोस थिंग्स आई अचीव्ड. उसके बाद मेरा प्रॉब्लम हुआ. क्या प्रॉब्लम हुआ? आई कम अक्रॉस अ CFP कोर्स. आई कंप्लीटेड माई CFP कोर्स. आफ्टर डूइंग CFP कोर्स फॉर 2 ईयर्स आई सफर्ड फ्रॉम ए मेजर डिसीज and the disease called GCS. Have you heard about this disease? GCS? Do you want to know the full form of that? Guilt cholesterol syndrome. Guilt cholesterol syndrome. इसका मतलब क्या, जो 10 साल मैंने पाप किया था ना ऐसा, तो जो मुझे आया सोने नहीं दे रहा था, 2 साल तक सोने नहीं दे रहा था, किसी के मुंह खोलने को भी नहीं हो रहा था पॉलिसी के बारे में, और म्यूचुअल फंड तो इतना मैं जानता नहीं था, करता नहीं था. इट वॉज ए डिफिकल्ट एंड इन दैट टाइम लाइक अभी तो मेरा जिंदगी खत्म हो गया, इसमें कोई मतलब नहीं है, मुझे कहीं जाके जॉब करना पड़ेगा, कहीं पे होने रहे. तो इसलिए मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैं MBA, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज, लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड. सो वो अगेन बोलते हैं ना, एजुकेशन रुइंड योर लाइफ. सो लाइक दैट मेरे साथ भी हुआ था. आफ्टर डूइंग गेटिंग MBA मुझे लगा जॉब मिल जाएगा. देन आई वेंट फॉर इंटरव्यू. जाने के बाद पता चला, इंटरव्यू में जाने के बाद, यू आर नॉट मेड फॉर जॉब, यू डोंट हैव ए एम्प्लॉई माइंडसेट. अगेन रिजेक्टेड. Okay, again rejected. So, उसके बाद फिर करना क्या है? Then उसके बाद मैंने बैठ के सोचा कि अगर इस फील्ड में मैं आया है तो there is some bigger purpose. Then I created my own style of approach, जहाँ पे win-win, client का भी भला होना चाहिए, मेरा भी भला होना चाहिए. And like that I started. Now not only that, after that I started teaching CFP students, I started teaching MBA students, lot of things I started doing. Now I do run paid training programs and workshop for my clients. Paid, huh? And from that I get clients. After that, and that to qualify karke. So, O level tak abhi jaake. And luckily, I have authored my book also recently, which is called Your IQ is not equal to your FQ. So, this is a short journey which I can say, which has reached me. So, Swami, what I want to know, I want to do brain surgery now, right? Yeah. I want to know, what is it that motivates you? You know, because you look at this, at so many stages you could have given up and say, this is my fate, this is my life, that. But you keep aspiring in the face of difficulty. So what's, I want to go into your brain and understand ki what is that jadoo ka jo chadi hai jo makes you to keep motivated and go. Yeah. So do insaan ne mujhe motivate kiya. Ek past Swami जो लाइफ में जो स्ट्रगल किया, हमेशा कभी भी कुछ गिव अप करने को सोचा ना, जो वो पुलिस आके बीट करता था, जो रस्ते पे सोता था, ये सब मुझे याद आता था. जो मुंबई वाकया था वो मुझे हमेशा याद आता, नहीं ये जिंदगी से मुझे कुछ करके दिखाना, इतने से लोग मुझे पहचानेगा नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है करके वो इंस्पायर किया. और दूसरा फ्यूचर स्वामी, विच इज एम्बिशियस एस्पिरेशन, मुझे ये बनना है. आई हैव टेकन अ मिशन टू ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन पीपल इन नेक्स्ट 10 ईयर्स. दैट्स माई मिशन, टू एजुकेट पीपल एंड ट्रांसफॉर्म देम, 1 मिलियन पीपल. एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू डू दैट. I am pretty much confident about that. This is motivates me every day when I get up from my bed. So, if you were to pass on some piece of advice, you know, they don't have to buy your book to get the advice. Yeah, At least. You can give them some advice to our distribution friends here. What would that be? Definitely, I would love to. So, first, as an advisor, I have learned, I have invested a lot of money on my own self-education in the last 3-4 years and since the beginning. First, if you want to become, how many of you want to become successful? I'm going to give you mantras. How many of you want to become? Show me your hand. Superb. Okay, I'm going to give you a mantra. Yaad rakhlo. First, you need to learn well. Because the day when you stop learning, the day you stop growing. The day you stop growing, the day you stop dying. The day you start dying. Main nahi bol raha hu, Albert Einstein is, says that. Okay, so that's why hamesha har bar aap seekhne ke liye, that's why aap seekhne ke liye to yahan, isliye aap yahan pe aake baithe ho. So always focus on learning. Okay, first is learn well. Second, if you learn well, then learn well and
educate in, we are in the business, we are not in the business of distributing products. We are in the business of educating people. How many of you agree with this? We are in the business of educating people. We are in the business of inspiring people. We are in the business of motivating people. So learn well, educate well, then you will earn well. And if you earn well, you will live well. And if you live well, if, you know, everything, all is well. And if not, then all is in the well. So don't get in the well. Okay. And second advice I would like to give you, like you become the influencer. You need to influence more number of people. Jitne bhi aaj world mein bade influence, jo bade aadmi bana hai, Modi ko le lijiye, Trump ko liye, how many of you agree they are all good influencer? Agree? So you need to become a more influencer, influence more people. Then only you will be able to grow in life. And if you want to influence more people, you need to become four, you need to have four qualities. The first quality is you need to be interesting person. People do like to meet you. Second, you need to be relevant person. Relevant means आज जो चाहिए वो बनना पड़ेगा, 10 साल 15 20 साल पहले का नहीं बनना. यू नीड टू बी मोर रिलेवेंट इन द मार्केट. एंड थर्ड, यू नीड टू बी मोर वैल्यूएबल इन द मार्केट. आप जहां पे भी जाओगे, अगर इफ यू कैन ऐड वैल्यू, इफ यू कैन ब्रिंग वैल्यू ऑन द टेबल, पीपल टू यू. एंड द फोर्थ, यू नीड टू बी मोर लाइक यू नो इन, यू नीड टू हैव अ जेन्युइन इंटेंशन टू सर्व द पीपल. That is very, very important. So if you develop these four people, you will become a great influencer. And if you become a great influencer, then automatically you will succeed in life. Thank you. A big hand, Swami. Very inspirational story. Thank you, sir. Thanks. Wish thank you, all you the very and best. Thank you for the Cafe Mutual team for giving me this opportunity. Thank you for all of you. Thank you so much. Let's give him a big hand. Thank you. Thank you. Thank you, sir.